कांग्रेस पार्टी आज छत्तीसगढ़ विधानसभा का घेराव करने जा रही है। इस घेराव का मोर्चा संभालने कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट रायपुर पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि कांग्रेस आज विधानसभा का घेराव करने वाली है। राज्य में जिस प्रकार से शासन चल रही है, रोज घटनाएं घट रही है, अपराध आसमान छू रहा है, इस प्रकार की घटनाएं पहले प्रदेश में नहीं होती थी। पायलट ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार का ध्यान शासन करने में नहीं है, सिर्फ विरोधियों को टारगेट करने और कांग्रेस को परेशान करने पर है। वहीं केंद्रीय बजट को लेकर उन्होंने कहा कि ये सरकार बचाव का बजट है। छत्तीसगढ़ को इस बजट से क्या मिला या ढूंढने से भी नहीं मिल रहा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज विधानसभा का घेराव का ऐलान किया है। समूचे प्रदेश से कांग्रेस के कार्यकर्ता और आमजन आज विधानसभा का घेराव करेंगे और मुख्य रूप से प्रदेश की सरकार ने चुनाव के समय जो वादे किए थे उनको पूरा ना करना एक बात है, लेकिन जिस प्रकार से शासन चल रहा है, जिस प्रकार से रोज घटनाएं घट रही हैं, अपराध आसमान छू रहा है, इस प्रकार की घटनाएं जो पहले कभी इस प्रदेश में नहीं होती थी वो हो रही हैं, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल चरमरा रहा है और सरकार का मुझे लगता है कि ध्यान शासन करने में नहीं है, उनका सिर्फ विरोधियों को टारगेट करने का है, कांग्रेस के लोगों को परेशान करने का है। और अभी केंद्र का बजट कल आया, केंद्र के बजट में जैसा राहुल जी ने कहा ये तो सरकार बचाओ बजट है।